गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन होम क्लास। आप जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो है सेट्स। कल आपने देखा था ऑपरेशन ऑन सेट्स, द डे बिफोर यस्टरडे हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो दैट वाज ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले ऑपरेशन हमने देखा था यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ। एंड सिंबॉलिकली ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और विच बिलोंग टू बी। सो यूनियन ऐसा सेट्स होता है जिसके एलिमेंट्स या ए में होते हैं या बी में या दोनों में। उसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन बी, वही एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी होने चाहिए और बी में भी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। सो अगर आपने डिफरेंस देखना हो ए माइनस बी, तो ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड इट इज नोटेड बाय ए माइनस बी। और अगर हमने बी माइनस ए देखना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बी माइनस ए, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स जो पहले आएगा उसी के एलिमेंट्स चेक करने हैं। सो बी माइनस ए देखना है तो बी के एलिमेंट्स, तो बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। फिर डिजॉइंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर कोई भी एलिमेंट उनका कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो दोनों सेट्स को हम डिजॉइंट सेट्स कहते हैं। और इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होती है वो फाई के बराबर होती है। सो इफ द इंटरसेक्शन इज फाई, दैट मीन इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, देन द सेट्स आर कॉल्ड एज डिजॉइंट सेट्स, जिनका कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता ना हो। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नोटेड बाय ए यूनियन बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नोटेड बाय ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन ए। तो ये थे हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो चलिए आज हम कुछ अलजबरा के इम्पोर्टेंट अलजबरा ऑफ सेट्स देखेंगे। अलजबरा आप जानते हो कि किसी चीज़ का भी अलजबरा हो तो अलजबरा ऑफ सेट्स क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दिस इज कॉल्ड अलजबरा ऑफ सेट्स। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। या ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। दूसरा लॉ इसका, पहला था कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन में तीन सेट्स होते हैं और कम्यूटेशन में दो ही सेट्स होते हैं, ए और बी। इसमें तीन सेट्स होते हैं। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इजल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए और बी की यूनियन करो, फिर सी के साथ यूनियन करो, या बी और सी की यूनियन करने के बाद ए के साथ यूनियन करो, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम, इक्वल होंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी करो, इंटरसेक्शन सी इजल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी करो, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या पहले बी और सी की इंटरसेक्शन करने के बाद फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करो, तो रिजल्ट दोनों का सेम होगा। तो वो था कम्यूटेटिव लॉ, ये था एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इजल टू ए पहले बी के पास जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए की बी से यूनियन, ए यूनियन बी फिर बीच में इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी बीच में इंटरसेक्शन इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये बीच में रहेगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी। तो ये तीन हमारे दिस अलजेब्रा ऑफ सेट्स था, जिनमें हमने कम्यूटेटिव लॉ देखा, एसोसिएटिव लॉ देखा। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे दो ही सेट्स थे, ए और बी। एसोसिएटिव लॉ में हमारे तीन सेट्स होते हैं, उन्हीं के बीच में एसोसिएशन होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे तीन सेट्स थे। चलिए इनमें से एक का प्रूव करते हैं, किसी एक का करते हैं। तो इस तरह इसी तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इजल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इट मीन्स चलिए एक सेट है एक्स एलिमेंट्स का, जो किस में है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में है। लेट चलिए ये क्या है, ये एक सेट है एक्स एलिमेंट्स का, जो किसको बिलोंग करता है? जिसमें एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ए की इंटरसेक्शन बी से होगी, सो एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन में क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए
ठीक है, पहले इंटरसेक्शन में x बिलोंग्स टू ए, और ये जो x है ये a में भी होना चाहिए और b यूनियन c में होना चाहिए, क्योंकि a और b यूनियन c के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स एंड, जो a में भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स। सो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसी का मतलब है। सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, यानी कि दोनों में एलिमेंट होना चाहिए। इसके बाद x बिलोंग्स टू a एंड, अब आई यूनियन, तो यूनियन में और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, क्या आ गया, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब x इज एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a एंड, पहले x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को इकट्ठा कीजिए। सो a एंड b को करेंगे तो इंटरसेक्शन, एंड से इंटरसेक्शन बनती है। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और ये x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, फिर बीच में आ गया और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। देखिए x बिलोंग्स टू a b के साथ भी एंड है और x बिलोंग्स टू a c के साथ भी एंड है, बीच में क्या है, और पहले x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, फिर बीच में आ गया और फिर x बिलोंग्स टू a एंड, क्योंकि x बिलोंग्स टू a ये दोनों के साथ है, तो पहले x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, बीच में आया और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, चलिए विच इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, a x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, बीच में आ गया और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, अब a और c के बीच में एंड है, तो ये हो गया a इंटरसेक्शन c, क्योंकि c का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, जब दोनों चीज़ों के बीच में इंटरसेक्शन हो तो बन जाती है यूनियन। सो विच इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और की वजह से दोनों के बीच में और है, तो यूनियन a इंटरसेक्शन c, विच इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन यूनियन a इंटरसेक्शन c, इसको दोबारा लिख दिया, तो यही राइट साइड थी, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। आपने याद रखना है कि यूनियन का और का मतलब यूनियन होता है, दो चीज़ों में और हो तो उनकी यूनियन बनती है, और दो चीज़ों में एंड हो तो उनका इंटरसेक्शन बनती है। इंटरसेक्शन में यूनियन में सीधा यू और इंटरसेक्शन में उल्टा यू। चलिए अब हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.4 लेते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ये जो जोड़े दिए हैं इनकी यूनियन देखनी है। यूनियन में सीधा यू होता है, एक्स हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, दूसरा सेट है वाई, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, इनकी यूनियन एक्स यूनियन वाई। नाउ वी हैव एक्स इक्वल 1, 3, 5 एंड वाई 1, 2, 3। नाउ एक्स यूनियन वाई क्या है, यूनियन में एक्स के एलिमेंट्स भी आते हैं और वाई के भी, और दोनों के भी, 1 दोनों में है तो ये भी आएगा, 2 दोनों में नहीं है वाई में है लेकिन आएगा, 3 दोनों में है तो भी आएगा, 5 इसमें है उसमें नहीं है लेकिन तो भी आएगा। तो x के एलिमेंट्स भी आते हैं, y के भी आते हैं, और दोनों के हों, दोनों में हों तो वो भी आते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होता कोई एलिमेंट, एक दफ़ा एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो ये थी x यूनियन y। उसके बाद हमारा दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं a e i o u और b के सेट है a b c। नाउ वी हैव सेट, इसके एलिमेंट्स हैं a e i o u और दूसरा सेट है b a b c। अब इनकी यूनियन a यूनियन b इज इक्वल टू, a दोनों में है तो एक दफ़ा आएगा, b इसमें है इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं है, a दोनों में है तो आएगा, b इसमें है इसमें नहीं है तो भी आएगा, और उसके बाद c इसमें है इसमें नहीं है तो भी आएगा, साथ में e i o u। सो a के एलिमेंट्स भी लेने हैं, b के भी लेने हैं, और जो दोनों में हैं वो दोनों के भी लेने हैं, तो बन जाती है यूनियन। लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर बी एक दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखना है, चाहे इसका एलिमेंट हो चाहे इसका एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट लिखना है, जो दोनों में हो वो भी लिखना है। अब देखिए ए दोनों में था तो एक दफ़ा लिख दिया, बी इसमें नहीं था उसमें है तो भी लिख दिया, तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और बोथ की, तो सब के एलिमेंट्स इसमें आते हैं यूनियन में। अब चलिए लेट ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी और बी बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी। ये पूछता है इज़ ए सबसेट ऑफ बी और व्हाट इज़ ए यूनियन बी। पहले हम देखें क्या ए बी का सबसेट है, ए का बी, ए बी का तभी सबसेट होगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। देखिए ए इसमें है यस, दूसरा एलिमेंट बी भी इसमें है यस, तो हम लिखेंगे ये क्वेश्चन लिखा, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट
इनसाइड भी, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट ए भी बी के अंदर हैं, तो इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ये किसकी निशानी है? बड़ा सी सबसेट की। आपने कहा ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए दोनों में है तो भी आएगा, बी दोनों में है तो भी आएगा, सी इसमें है इसमें नहीं है तो भी आएगा। सो ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी और दोनों के भी, सो ए बी सी इनकी यूनियन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड फोर्थ है, एज इफ ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी इज एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 4 5 6, सी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 5 6 7 8, एंड डी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 7 8 9 10। तो आपने ए यूनियन बी, दूसरा बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी निकालनी है। पहले ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन 1 2 3 4, 2 4 इसमें भी है तो इसमें भी है तो आएगा 1 2 3 4, 2 4 भी आ गया, साथ में इसमें 5 था, 5 6 इसमें था, इसमें नहीं था ये भी आएगा, क्योंकि यूनियन है ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी, लेकिन एक दफ़ा 1 2 3 4 5 6। फिर बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 और इसके हैं 5 6, अब 3 इसमें आएगा, 4 आएगा उसमें नहीं है बेशक तो भी आएगा, 5 6 दोनों में है तो आएगा, अब 7 इसमें है इसमें नहीं है तो भी आएगा, 8 इसमें है इसमें नहीं है तो भी आएगा, तो बी यूनियन सी भी होगी। अब थर्ड पार्ट है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी क्या थी? 1 2 3 4 5 6। बी यूनियन सी क्या थी? 3 4 5 6 7 8। अब इनकी ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी क्या किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इक्वल टू, अब इन दोनों की यूनियन देख लो, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी की यूनियन देख लो, वही ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 ये दोनों कवर हो गए, और फालतू क्या है इसमें? 7 8 उसमें नहीं है तो भी आएगा, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 साथ में 7 8, साथ में 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हमने ए यूनियन बी और बी यूनियन सी की यूनियन देखी, तो उसमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स भी दिए और बी यूनियन सी के भी दिए, और साथ में जो दोनों में थे वो भी दिए, 1 2 3 4 5 6, 7 8 इसमें था उसमें नहीं था तो भी दिया, तो ये बन गई ए यूनियन बी यूनियन सी। सो इसी एक्सरसाइज को कल हम कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, और जो चीज़ नहीं समझ आती आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।